करेंगे, सत्य को धारण करेंगे और हमारे द्वार पर जो कोई भी आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा। अब तो राजा हरिश्चंद्र के सत्यवादिता के धनवीरता के डंका चारों दिशाओं में बजने लगे कि हरिश्चंद्र जैसा राजा कोई नहीं है। तो इंद्र की सभा लगी हुई थी, इंद्र की सभा में गुरु वशिष्ठ बैठे, विश्वामित्र बैठे, ऐसे महाराज बातें होती रही तब तक एक बहस छिड़ गई। कौन सी बहस? गुरु वशिष्ठ कहने लगे विश्वामित्र से कि जा सभा में बने चाहे कोई, लेकिन मेरे शिष्य हरिश्चंद्र के जैसा राजा ना तो दुनिया में कोई हुआ और ना तो कोई होगा। सो विश्वामित्र जो रहे विक्रोधी आते, सो विश्वामित्र कहने लगे वशिष्ठ से सुनो, अपने मुख से अपनी बड़ाई कर रही हो, तुम्हें शोभा थोड़ी ना देती है, अपने मुख से अपनी बड़ाई ना करो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। वशिष्ठ बोले क्यों? विश्वामित्र बोले इसलिए कि तुम तो अपने चेला की बड़ाई कर रही हो, इसलिए क्योंकि वो तुम्हारा शिष्य है और हमने अभी तक उसकी परीक्षा तो ली नहीं, और जब तक हम किसी चीज की परीक्षा नहीं ले लेते तब तक हम कोई भी निर्णय नहीं लेते। सो जो इतने वचन कहे तो उसी समय वशिष्ठ जी कहने लगे हैं विश्वामित्र से, सुनो बाबा जी, अगर आपके मन में यह शंका है कि मेरा शिष्य जो है वो सत्यवादी या दानवीर नहीं है, तो ऐसा करो आप चले जाओ और जाए के परीक्षा ले आओ। अगर तुम्हारे मन में कोई शंका हो वे तो तुम जाओ जाए के परीक्षा ले आओ, क्योंकि कर नहीं तो डर नहीं, जो कभी करता नहीं है बुरे काम उन्हें कभी डर नहीं होता है, फिर वो चाहे कहीं चले जाए। तो विश्वामित्र कहने लगे कि अगर अच्छा अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे चेला की परीक्षा ले आए तो ये तो तभी पता चलेगा जब हम परीक्षा लेके तुम्हारे पास वापस आई। सो विश्वामित्र बोले बेझिझक चले जाओ। वशिष्ठ जी बोले बेझिझक जाओ और जाए के मेरे शिष्य की परीक्षा ले आओ। उसी समय महाराज जो वशिष्ठ ने कही सोई आज विश्वामित्र चले, और जब विश्वामित्र चले तो चल करके कहां पहुंचे? हरिश्चंद्र के बाग में। और जब हरिश्चंद्र के बाग में पहुंचे, आज भैया जी साउंड नहीं तो बढ़िया चल रहा है, तो मेरे माइक की आवाज तो बढ़ाए दे। और जे जब हम ग्राउंड की आवाज बढ़ाए दे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। विश्वामित्र ने सूकर का भेष बनाया, सूकर का, और परीक्षित महाराज सूकर का भेष बना करके चले और चल करके हरिश्चंद्र के बाग में पहुंच गए। जब हरिश्चंद्र के बाग में पहुंचे जाकर के विश्वामित्र, तो पूरे बाग को उजाड़ने लगे। जब बाग को उजाड़ने लगे, बाग के माली ने सूकर को रोका, तो विश्वामित्र ने महाराज माली की जंगा को फाड़ दिया। जब माली की जंगा को फाड़ा विश्वामित्र ने, माली रोता हुआ चिल्लाता हुआ भागता हुआ हरिश्चंद्र के पास में पहुंचा और पास में पहुंच करके जवाब दिया, महाराज बाग में एक सूकर आया है जो सारे बाग को जान रहा है, मैंने उस सूकर को रोका भी, लेकिन वो सूकर नहीं रोके रुका, उसने मेरी जंगा को भी फाड़ दिया। ऐसा करो कि आप मेरे साथ चलो और चल करके सूकर को मारो चल के। जो इतने वचन कहे कि सूकर को मारो चल के, उसी समय हरिश्चंद्र कहने लगे, हरिश्चंद्र कहने लगे सुनो माली, तुम्हें नहीं पता है अभी संध्या का समय है, और संध्या के समय अगर दरवाजे पर दुश्मन भी आए तो उसका भी सम्मान करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। कहा जाता है संध्या के समय अगर घर में दुश्मन भी आए तो उसका सम्मान करना चाहिए। जवाब दिया हरिश्चंद्र ने, सुनो माली, अभी संध्या का समय, ऐसा करो तुम लौट जाओ, सवेरा जब होगा तो सवेरे हम सारे सेना के साथ में आएंगे और आकर के उस सूकर को मारेंगे। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, अरे संध्या को समय और तो खपत
लौट जाओ यहाँ से और जा करके सुकर की तरफ नजर डाले रहना, सवेरा होगा हम आएंगे सुकर को मारेंगे आकर के। अरे लौटने का बगिया कौन जाइए, रहना और सवेरा जब होगा सेना के साथ में आएंगे और आकर के उस सुकर को मारेंगे आकर के। जो जोते बचने गए उसी समय माली चला चल करके परीक्षित महाराज माली बाग में पहुंच गया। जब माली बाग में पहुंचा तो उसी समय आज वो माली सारी रात सुकर की तरफ निगाह किए रहा, दृष्टि डाले रहा। सवेरा जैसे ही हुआ हरिश्चंद्र ने सेना को सजाया और सेना को तैयार किया। सेना को तैयार करके हरिश्चंद्र ने मंत्री से कहा, मंत्री घोड़ा तैयार करो, घोड़ा घोड़ा तैयार करो, हम सबको बाग में जाना है। अब बाग में सुकर आया है, उसे मारने के लिए चलना है। माली ने घोड़ा तैयार किया और हरिश्चंद्र ने माली से कही, सुनो माली